केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम आवास आवंटन में नाला में गए गड़बड़ जाला। नाला प्रखंड में पीएम आवास आवंटन में गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश चंद्र मित्रा ने लगाया है। उन्होंने कहा कि नाला प्रखंड के चकनया पारा पंचायत में पीएम आवास में काफी गड़बड़ी है। गरीबों के बजाय यहां संपन्न लोगों को पीएम आवास का लाभ मिल रहा है, क्योंकि पशु शेड में पशु नहीं बल्कि आदमी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाला में कई पदाधिकारी हैं जो यहां कई वर्षों से जमे हुए हैं, जिस वजह से नाला प्रखंड में मनमानी ढंग से काम होता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता गणेश ने कहा कि बीते दिनों नाला प्रखंड में धरना कार्यक्रम के माध्यम से इन मामलों को लेकर वीडियो को आवेदन भी दिया गया है। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। जो यहाँ का जो वर्कर है, जो जियो बनाता है, वो जियो वाला लोग मनमानी ढंग से ठेकेदार से साठ घर करके ठेकेदार के नाम पर अच्छे अच्छे आदमी को, जो गरीब उसको नहीं बनाया, जियो टैग नहीं किया है, धनी व्यक्ति को जियो टैग किया है। और स्वयं सब लोग जो है वो अपना मन मनी से किए हैं, उसको बोले हैं तो बोला ना जो हमारा है टारगेट हम करेंगे, गरीब और बूढ़ा नहीं सबको हम टारगेट करेंगे। मगर चौकनापुरा पंचायत में देखा गया है जिसका इंदिरा आवास मिला है उसको पुनः मिला है, और जिसका एक घर में चार पांच घर करके उसको मिल गया है, और जो पशु सेट है वो पशु सेट जो है पशु सेट में पशु नहीं रहता है, पशु सेट में वो लोग अपना घर बनाकर बसवास कर लिया है। और बीडीओ साहब को भी इसमें लिखित दिए हैं, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। और ब्लॉक में समस्या बहुत है, समस्या का निदान अभी ब्लॉक में नहीं हो रहा है। काहे जो यहाँ का जितना स्टाफ है, जितना पदाधिकारी बहुत पुराना से यहाँ जमे हुए हैं, ये लोग घर वाला आदमी हो गया है, इसीलिए ये लोग अपना मन से काम करता है। चाहे यहाँ का पदाधिकारी चाहे कर्मचारी, इसको स्थानांतर होना चाहिए। अगर स्थानांतर हो जाएगा तो यहाँ का जनता का काम बहुत जल्दी होगा और सुचारू रूप से होगा।